नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि एक छोटा सा देश किस प्रकार पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने में सक्षम होता है, यहां तक कि सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को भी धमकी दे डालता है। और दोस्तों बात करें अगर जापान की, तो जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल गुजार देता है तब भी जापान चुपचाप बैठा रहता है। हालांकि दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो देश सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को हिलाकर रख देता है, जापान आज देशों को धमकी दे डालता है, आखिरकार उस देश का नाम क्या है? तो मैं बता दूं दोस्तों, उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया, जहां का शासक है सन की किंग जोंग उन। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया की 2023 की ताकत के विषय में, और दोस्तों जानेंगे हथियारों के दम पर वो बड़े बड़े देशों को धमकी देने में पीछे नहीं हटता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं नॉर्थ कोरिया की करंट पॉपुलेशन के विषय में, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया की करंट पॉपुलेशन 2.6 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों नॉमिनल जीडीपी के विषय में। तो दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि नॉर्थ कोरिया ज्यादा देशों से व्यापार नहीं करता है, इसलिए दोस्तों इसकी नॉमिनल जीडीपी 18 से 20 बिलियन डॉलर तक बताई जाती है। अब बात करें अगर दोस्तों डिफेंस बजट की, तो दोस्तों इसका डिफेंस बजट 2 से 4 बिलियन डॉलर तक बताया जाता है। बात करते हैं दोस्तों एक्टिव सैनिक की, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया में अधिकतर सैनिक एक्टिव ही होते हैं, इसमें 13 लाख सैनिक एक्टिव बताए जाते हैं। और बात करें दोस्तों रिजर्व की, तो दोस्तों करीबन 8 से 10 लाख सैनिक रिजर्व और पैरामिलिट्री बताए जाते हैं। और दोस्तों बताया यह भी जाता है कि यह दुनिया का तीसरा एक्टिव सैनिक वाला देश है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वारहेड वाला भी देश है, जिसके पास 40 से 50 न्यूक्लियर वारहेड बताए जाते हैं। वहीं पर बात करें अगर दोस्तों मैन बैटल टैंक की, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास 5,800 से ज्यादा मैन बैटल टैंक बताए जाते हैं। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे नॉर्थ कोरिया चाइना के भी मैन बैटल टैंक यूज करता है। बात करें दोस्तों इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल या फिर आर्मड कैरियर की, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास 4,100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और आर्मड कैरियर बताए जाते हैं। बात करें अगर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास 450 से ज़्यादा मौजूद बताए जाते हैं। और दोस्तों हजारों सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी रिजर्व बताए जाते हैं। बात करें दोस्तों टॉवर्ड आर्टिलरी गन की, तो दोस्तों 250 से ज़्यादा नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद है, जिसमें से दोस्तों हजारों आर्टिलरी गन रिजर्व भी बताई जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, तो नॉर्थ कोरिया के पास 1,360 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बताए जाते हैं। एयरफोर्स के लिए नॉर्थ कोरिया सोवियत संघ का S-200 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का उपयोग करता है, रशियन S-125 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रयोग करता है, और दोस्तों रशियन ही S-75 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रयोग नॉर्थ कोरिया करता है। अब दोस्तों बात करते हैं हवाई ताकत के विषय में, तो दोस्तों जहां पर नॉर्थ कोरिया में टोटल एयरक्राफ्ट 1,000 से ज्यादा बताए जाते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया अपने यहां के फाइटर जेट के साथ कई देशों के फाइटर जेट यूज करता है, जैसे कि रशिया MiG-29, रशियन MiG-21, MiG-25, सुखोई SU-7, SU-25 और भी प्रकार के दोस्तों एयरक्राफ्ट नॉर्थ कोरिया यूज करता है। बात करें वहीं पर हवाई ताकत में हेलीकॉप्टरों की संख्या के विषय में, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास 230 हेलीकॉप्टर बताए जाते हैं, जिसमें से 30 अटैकर हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की समुद्री ताकत के विषय में, तो समुद्री ताकत में अगर मैं बात करूं एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास किसी भी प्रकार का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। बात करें अगर दोस्तों डिस्ट्रॉयर शिप की, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रिगेट्स की, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास 3 नॉजिल क्लास की लाइट फ्रिगेट्स बताई जाती हैं, और दोस्तों इनका इस्तेमाल भी नॉर्थ कोरिया समय आने पर करता है। बात करें कार्वेट्स की, तो दोस्तों 8 कार्वेट नॉर्थ कोरिया के पास बताई जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गुप्त हथियार में, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास 70 से ज़्यादा समरीन बताई जाती हैं, जिसमें कुछ छोटी और कुछ काफ़ी पावर वाली समरीन बताई जा रही हैं। हालांकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया के विषय में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यह एक छोटा सा देश कितना पावरफुल देश माना जाता है। हालांकि दोस्तों इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों चलते चलते अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।